नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हीट वेव के चलते मौसम ने जिस तरह से अपना प्रचंड रूप दिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम जनता की चिंता को भी बढ़ाया। हर तरफ गर्मी के कारण त्राही माम हो रही है। लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उसी के चलते बताना चाहेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने नागरिकों से लू से बचाव के लिए सलाह का पालन करने के लिए अपील की है। यानी कि डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वेशन ने आम जनता से नागरिकों से क्या यानी किस चीज़ का पालन करने के लिए सलाह दी है, ज़रूर आपके समक्ष लाना चाहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वेशन ने नागरिकों से अत्यधिक गर्म मौसम की स्थिति को देखते हुए अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखने की अपील की है। बताना चाहिए एक जारी बयान में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी से बार बार पर्याप्त तरल पदार्थ के लिए यानी कि जैसे यानी नींबू पानी होगा, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रॉल होगा, इस तरह की चीज़ें और चरम तापमान से घंटों के दौरान बाहर जाने से बचने का आग्रह किया। और जिस समय तापमान ज़्यादा रहता है उसे में आपको आग्रह किया कि बाहर जाने से परहेज करें। उन्होंने नागरिकों से बच्चों और बुज़ुर्गों का अतिरिक्त ध्यान रखने का भी अनुरोध किया है। यानी खास करके इस मौसम में बच्चों का और बुज़ुर्गों का ज़्यादा का अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ बताना चाहिए अतिरिक्त ध्यान रखने का भी अनुरोध किया है क्योंकि वह गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जनता को यानी कि आग लगने जैसी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में SDM तहसीलदार या SHO से संपर्क करने की अपील भी की है। और साथ ही साथ आग लगने की घटना होने पर लोग जो कि फायर ब्रिगेड एवं आपातकालीन विभाग से 101 पर संपर्क कर सकते हैं। सॉरी बताना चाहेंगे आपको जिस तरह से आपने कल देखा कि जम्मू म्यूनसिपल की कॉरपोरेशन की गाड़ी चलते चलते किस तरह से आग यानी कि आग की लपटों में पूरी तरह से लिपट गई और किस तरह से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। इस तरह से कुछ दिन पहले पंजाब से भी खबर आ रही थी किस तरह से एक चलती बस में आग लगी क्योंकि तापमान के बढ़ते खड़ी गाड़ियों में भी और चलती गाड़ियों में भी आग लगने की संभावना रहती। या यूं के वायर्स को जिस तरह से पोल के साथ भी आग लगने की संभावना रहती, उस स्थिति में आप 101 नंबर डायल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य नंबर पर जिन पर संपर्क किया जा सकता है वे हैं फायर कंट्रोल रूम गांधीनगर, कुछ नंबर है वो ध्यान से सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। फायर कंट्रोल रूम गांधीनगर का नंबर है 0191-245-7705 और दूसरा नंबर है 0191-243-5283। साथ ही साथ फायर स्टेशन पुराना शहर का नंबर है 0191-254-263 और दूसरा नंबर है 0191-254-262। साथ ही साथ FS रूपनगर का नंबर है 01 यानी कि फायर स्टेशन रूपनगर का नंबर है 0191-259-7522 और साथ ही फायर स्टेशन गंगियाल का नंबर है 0191-248-0026 यानी कि FS फायर स्टेशन नहर का नंबर है 0191-255-260 और फायर स्टेशन अखनूर का नंबर है 0192-0924-25241। फायर स्टेशन आरएसपुरा का नंबर है 0123-76-27-03। फायर स्टेशन बिस्ना का नंबर है 0192-237-937। फायर स्टेशन अर्निया का नंबर है 9149-4975-2573। जंगल की आग के मामले में लोग वन रेंज अधिकारियों रेंज अधिकारी जम्मू का संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 9419175278 को रिपोर्ट कर सकते हैं। रेंज अधिकार कालीधार का नंबर है 9149570084। रेंज अधिकारी बहू का नंबर है 9419212594। रेंज अधिकार जिंद्रा का नंबर है 9797596321। तो ये नंबर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में यानी कि बताने के लिए मामले में 108 पर कॉल करके या स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पर आप जाकर मदद मांग सकते हैं। आपातकालीन परिचालन सेल जम्मू यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेल जम्मू जो है सप्ताह के किसी भी दिन यानी 24 घंटे 24x7 उपलब्ध रहेगा, पर आप उस पर नंबर जो है 0191-257-1616 पर सार्वजनिक आपात स्थिति में भाग लेने के लिए उपलब्ध है। मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट रामबाग, मौसम विज्ञान केंद्र रामबाग ने घोषणा की है कि जम्मू क्षेत्र के अगले एक सप्ताह के दौरान लू चलने की संभावना है। हीट वेव के वेव से संबंधित सलाह में ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पहने और चरम तापमान से घंटों के दौरान जोरदार गतिविधि से बचने के लिए भी शामिल ना हो। साथ साथ कहा कि
जिस तरह से लोग जाकर जिम में या कहीं बाहर वर्कआउट करते हैं, उनके लिए भी ध्यान से खबर जानने की ज़रूरत है ताकि वो भी इस मौसम में ज़्यादा वर्कआउट ना करें और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा गतिविधि वाला ज़ोरदार काम ना करें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है हीट वेव के चलते आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लोग परेशान हैं गर्मी के कारण और कोई भी परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले जान है तो जहान है, बाद में काम होते रहेंगे, कोई ज़ोरदार काम ना करें। जिस समय दिन के समय तापमान ज़्यादा रखता है और वहाँ उस समय उन घंटों में बाहर निकलने से आप परहेज करें, साथ ही साथ तरल पदार्थ का लें और कोशिश करें बाहर की जो चाइनीज़ फूड है उसे थोड़ा जंक फूड से परहेज करें, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है। क्योंकि फिर से कहेंगे कि कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी इलाज से परहेज़ बेटर है। तो फिलहाल ये DM जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका सचिन कुमार वेश्य का संदेश आम जनता के समक्ष, और साथ ही साथ उन्होंने नंबर भी दिए आपातकालीन स्थिति में किन नंबरों पर अब संपर्क कर सकते हो, खास करके अगर कहीं आसपास आग लग जाती है, चाहे ट्रांसफार्मर की अगर बात करें या किसी यानी गाड़ी में किसी भी कोई इस तरह की अगर आग का कोई यानी आग लगती है तो उसका संदर्भ में भी आप जो नंबर हमने आप दिए हैं उस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क करके मदद ले सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी हर एक तक पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।